हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं फन हाउस मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है नैरो से, जो एक बहुत रिच पर्सन था। उसके सामने दो लड़कियां फाइट कर रही थी। वो एक लड़की से कहता है कि दूसरी लड़की का दिल मुझे ला कर दो। वो लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है और नैरो उसे बहुत सारे पैसे देता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। यानी उस लड़की ने ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही किया था। फिर नैरो अपने मोबाइल में कुछ सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो देख रहा था और फिर उनमें से कुछ लोगों को नैरो एक लाइव शो में इनवाइट करता है, जिसका नाम था फन हाउस। और फिर हम देखते हैं नैरो के घर को, जो जंगल के बीचों बीच था। और अब हमें फन हाउस दिखाया जाता है, जिसमें कैस्पर नाम का एक लड़का था। हम देखते हैं कि कैस्पर को यहाँ कैसे लाया गया। कैस्पर एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी था, क्योंकि कैस्पर के शोज़ काफ़ी टाइम से फ्लॉप चल रहे थे। तो उसका मैनेजर उसे नैरो के फन हाउस के बारे में बताता है और उसे एक एग्रीमेंट में साइन करने के लिए कहता है, क्योंकि विनर को $5 मिलियन मिलने वाले थे। तो वो उस पेपर्स पे साइन कर देता है और नेक्स्ट डे कैस्पर को किडनैप करके वहाँ लाया जाता है, ताकि उसे फन हाउस का एड्रेस पता ना चले। कैस्पर की तरह वहाँ और भी फेमस सेलिब्रिटीज थे। वहाँ टोटल 8 लोग थे। स्टार्टिंग में सभी काफी एंजॉय करते हैं और फिर उनके सेल फोन्स उनसे ले लिए जाते हैं और फिर होता है सबका इंट्रो। ये शो लाइव चल रहा था। फिर फन हाउस का कैप्टन पांडा यानी नैरो वहाँ आता है और बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगे हुए हैं, तुम जो चाहे वहाँ कर सकते हो। और पब्लिक वोटिंग के अकॉर्डिंग जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे उसे विनर अनाउंस किया जाएगा। वहाँ फन हाउस में नैरो के कुछ लोग भी थे, ताकि कोई वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। और पहले के 3 दिन काफी इंजॉय में ही कट जाते हैं। और फिर वहाँ नैरो पांडा कैप्टन बनकर आता है और स्क्रीन पर उन लोगों की पब्लिक वोटिंग दिखाई जाती है। उला नाम की एक लड़की के वोट सबसे ज्यादा थे और सबसे कम वोट वाले 2 पार्टिसिपेट को एक रूम में लाया जाता है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। लड़की को आंखों पर ब्लैक पट्टी बांध दी जाती, जिससे वो कुछ देख ना सके। फिर उसके हाथ में एक बेसबॉल का बैट पकड़ा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी कीले लगी हुई थी। और लड़की को बोला जाता है, तुम्हें उस पांडा को हिट करना है जो हवा में लटकाया गया है। और अब आता है गेम में ट्विस्ट। गेम स्टार्ट होता है और उस लड़के को उस पांडा की जगह पर लटकाया जाता है और उसके हाथ पैर और मुंह बांधे होते हैं, जिससे वो आवाज और कोई बाकी एक्टिविटी ना कर पाए। वहाँ लाउड म्यूजिक बजाया जाता है, जिससे उस लड़की को कुछ पता ना चले। और ये सब कुछ सभी पार्टिसिपेट और लाइव ऑडियंस देख रहे थे। उस लड़की को लगता है कि वो छोटा सा पांडा है और वो उसे बहुत मारती है, जिससे उस लड़के की वहीं डेथ हो जाती है। बाकी सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं अब उनका क्या होगा। वो लोग वहाँ से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि वो फन हाउस एक जंगल के बीचों बीच बेसमेंट में बनाया गया था और पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ सकती थी, क्योंकि इस शो का लाइव टेलीकास्ट एक ऐसी वेबसाइट से हो रहा था जिसे हैक करना नामुमकिन था। और वो सभी लोग वहाँ अब फंस चुके। अब नैरो वहाँ आता है और वो कहता है कि जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की उसका हाल इससे भी बुरा होगा। पर एक लड़का वहाँ लगी एक विंडो से आसमान देखता है और वो सोचता है कि वो वहाँ से भाग सकता है। सभी लोगों के मना करने पर भी वो विंडो का गिलास तोड़ देता है, पर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई आसमान नहीं बल्कि सिर्फ एक वॉलपेपर था, क्योंकि कैप्टन पांडा ने पहले ही सबको वार्न किया था। तो वो वहाँ आकर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उस लड़के को बेरहमी से मार दिया जाए। और फिर उस लड़के को उसी रूम में लाया जाता है और हम देखते हैं कि सबके सामने उसे एक बॉक्स में लटका दिया जाता है और उसके ऊपर एसिड डाल देते हैं, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है और वो भी मारा जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो फन हाउस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है, क्योंकि वहाँ सभी को लाइव सबके सामने बेदर्दी से मारा जा रहा था और किसी को भी वहां का एड्रेस भी पता नहीं। बाकी बचे 6 लोगों को कैप्टन पांडा आकर बताता है, अगर तुम लोग यहां से जाना चाहते हो तो तुम लोगों को पब्लिक से रिक्वेस्ट करनी होगी कि तुम्हें सबसे ज़्यादा वोट दें, क्योंकि एक यही तरीका है यहां से निकलने का। सभी काफ़ी डरे हुए थे और 2 लड़कियां वहां लड़ने लगती हैं,
नेक्स्ट डे न्यूज़ में कैस्पर की वाइफ सभी से कैस्पर के लिए वोट मांग, उसकी जान बचाने के लिए। अब सभी आपस में बात करते हैं कि बची हुई बाकी लाइफ क्यों ना हम इंजॉय करके काटें। और एक बार फिर कैप्टन वोटिंग लेकर आता है और सबसे कम वोट उन्हीं दो लड़कियों के थे जो लड़ रही थी। फिर उन दोनों लड़कियों को उसी रूम में लाया जाता है और दोनों के हाथ में एक एक कुल्हाड़ी दी जाती है और कमरे की लाइट्स बंद कर दी जाती और अंधेरे का सीन नाइट मोड कैमरे से दिखाया जाता है। उन दो लड़कियों की स्टार्टिंग में कुछ थोड़ी बहुत फाइट होती है, फिर ऊला दूसरी लड़की के सर पर कुल्हाड़ी मार देती है जिससे ऊला की तो जान बच जाती है पर वो लड़की भी मारी जाती है। अब सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पब्लिक से वोट मांगने लगते हैं। ऊला कैस्पर को कहती है कि क्यों ना हम कुछ वोटिंग के लिए रोमांटिक सीन क्रिएट करें, लेकिन कैस्पर उसे मना कर देता है। उन दोनों को एक साथ ऊला का फ्रेंड देख लेता है जिससे उसे लगता है कि इन दोनों के बीच शायद कुछ चल रहा है और दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं और वो कैस्पर को बहुत मारता है और ये सब कुछ लाइव दिख रहा था जिससे कैस्पर को अच्छा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वोट मिले। और सबसे कम वोट वाली थी ऊला। ऊला को भी अब उसी रूम में लाया जाता है और उसे पिक्स मैजिक का टास्क दिया जाता है लेकिन वो उसे पास नहीं कर पाती। फिर उसे एक व्हील स्पिन करने को बोला जाता है जिसमें ये लिखा था कि उसे कैसे मारा जाए। ऊला व्हील स्पिन करती है और जब वो व्हील रुकता है तो उसमें ऊला को मारने का तरीका था उसे रस्सी से बांधकर जोर से तब तक खींचा जाए जब तक वो मर ना जाए और किसी को भी मारने का ये सबसे दर्दनाक तरीका था। और नैरो के लोग ऊला के साथ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जिससे ऊला के बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। अब गेम में चार लोग बचे थे और उन्हें उनकी फैमिली की पिक्स दिखाई जाती हैं क्योंकि कैस्पर की फैमिली में उसके वाइफ के सिवा और कोई नहीं था तो इस बार सबसे ज़्यादा वोट कैस्पर को मिले थे। और सबसे कम वोट पाने वाला एक बॉक्सर था तो पब्लिक के सामने चार बॉक्सर्स लाए जाते हैं जिससे पब्लिक को किसी एक बॉक्सर को चुनना था उससे फाइट करने के लिए। और पब्लिक के चुने हुए बॉक्सर से काफ़ी देर फाइट करके किसी ना किसी तरह वो लड़का जीत भी जाता है लेकिन यहाँ नैरो फिर एक बार चीटिंग करता है। वो बाकी तीनों बॉक्सर्स को एक साथ उससे लड़ने भेज देता है और अब गेम में बचे थे बाकी तीन पार्टिसिपेट। फिर कैस्पर और एक लड़की थोड़ा रोमांटिक सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और जो तीसरी लड़की थी कैट वो अकेले ही टाइम स्पेंड कर रही थी। नेक्स्ट डे वोटिंग में कैस्पर और वो लड़की जीत जाते हैं और वो लड़की हार जाती। कैट एक चेस प्लेयर थी तो नैरो उसके साथ एक गेम चेस खेलता है और वो लड़की उस गेम में हार जाती है और उसे भी वो व्हील स्पिन करने को दिया जाता है और उस व्हील को स्पिन करने पर वहाँ आता है पास, मतलब कैट के सिवा जिसकी वोटिंग सबसे कम थी अब उसका नंबर था। और उस लड़की को मारने के लिए कैस्पर को उसके साथ उसी रूम में लाया जाता है और दोनों को एक एक गन दी गई और कहा जाता है कि जो सबसे पहले ट्रिगर दबाएगा वो बच सकता है और या दोनों एक दूसरे को मार दो। पर वो दोनों अब इस गेम से बहुत परेशान हो चुके थे, वो दोनों खुद को ही गोली मार देते हैं और दोनों मर जाते हैं। अब कैट वहाँ अकेली थी और वो ही गेम की विनर थी तो उसे $5 मिलियन देकर उस फन हाउस से निकाल दिया जाता है। बाहर निकलने पर कुछ दिन तक पुलिस कैट से इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन कैट उन्हें कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसे भी कुछ पता नहीं था। और कोई एविडेंस ना होने के कारण कैट को छोड़ दिया जाता है। और नैरो जब घर आता है तो वो देखता है कि कैट जो फन हाउस की विनर थी वो उससे मिलने आई है और यहाँ खुलता है मूवी का सबसे बड़ा राज। कैट असल में नैरो की वाइफ थी और कैट को बचाने का प्लान नैरो ने पहले ही बनाया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि अगर विनर कैट बनेगी तो वो विनिंग प्राइज जो कि $5 मिलियन था वो उसी के पास रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।